देखो क्वेश्चन है, टू स्प्रिंग्स हैव फोर्स कांस्टेंट के वन एंड के टू, तो के वन ग्रेटर देन के टू, के वन स्टिफ है हार्ड है, के टू सॉफ्ट है, ऑन विच स्प्रिंग मोर वर्क इज डन। आपने कहा अच्छा मोर वर्क डन तो हार्ड वाले पे, सिंपल। नहीं, ध्यान से मैथमेटिकली प्रूफ करो। कंडीशन ये है, दे आर स्ट्रेच्ड विद सेम फोर्स, किसमें ज्यादा वर्क डन किया जाएगा अगर फोर्स दोनों में क्या लगाई जाए, सेम, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, एक्स की वैल्यू दोनों में सेम रखी जाए, दोनों में फर्क है। अगर एक हार्ड स्प्रिंग है एक सॉफ्ट स्प्रिंग है, अगर हम फोर्स सेम लगाएंगे तो एक्स डिफर करेगा, और अगर हम एक्स सेम रखेंगे तो फोर्स डिफर करेगी। एक तो वेरिएबल है ही है और एक सेम रख लिया, तो वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। तो पहला केस, व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड विद सेम फोर्स, इसका मतलब फोर्स दोनों में सेम है पर एक्सपेंशन दोनों में सेम नहीं है, एक हार्ड है एक सॉफ्ट है, तो एक्स वन एक्स टू है। अब फोर्स दोनों में सेम है तो के वन एक्स वन इज इक्वल टू के टू एक्स टू, इक्वेट करके एक्स वन और एक्स टू की रेशियो आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट है, वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वर्क डन की वैल्यू पहले स्प्रिंग में हाफ के वन एक्स वन स्क्वायर और दूसरे स्प्रिंग में हाफ के टू एक्स टू स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, एक्स वन स्क्वायर को लिखा एक्स वन एक्स वन, एक्स टू स्क्वायर को लिखा एक्स टू एक्स टू। अभी हमने डिस्कस किया के वन एक्स वन क्या है, एफ, के टू एक्स टू क्या है, एफ, एफ और एफ कैंसल, और एक्स वन और एक्स टू की रेशियो क्या निकाल ली हमने, के टू बाय के वन। तो आपके पास दोनों वर्क डन की रेशियो क्या आ गई, के टू बाय के वन। क्लियर है यहां तक? मेरे इस क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, के वन बड़ा है और के टू छोटा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है और ये छोटा है, तो यानी कि फ्रैक्शन लेस देन वन। इसका मतलब डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू इज लेस देन वन, तो डब्ल्यू वन लेस देन डब्ल्यू टू, तो डब्ल्यू टू जो होगा वो बड़ा होगा और डब्ल्यू वन छोटा होगा। तो आप ओरली आंसर नहीं दे सकते, तो रूल लगाना पड़ेगा, अगर फोर्स सेम कह रहा है तो दोनों फोर्स को सेम करना पड़ेगा, और फोर्स को सेम करके डिस्प्लेसमेंट की रेशियो निकालनी पड़ेगी, फिर निकालना पड़ेगा हाफ के एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है, कैसे सोचना समझ में आ रहा है? अब सेम क्वेश्चन है, व्हेन दे आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट, ये आसान है क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ, एक्स और एक्स सीधा क्या हो गया, कैंसल, सेम अमाउंट का मतलब एक्स कैंसल। तो अगर एक्स कैंसिल हो गया तो के वन बाई के टू, के वन बड़ा है के टू से, तो फ्रैक्शन ग्रेटर देन वन, तो डब्ल्यू वन ग्रेटर देन डब्ल्यू टू। तो आपको कौन सा पार्ट आएगा वो आप देखेंगे, कैसे करना है समझ में आ रहा है यहाँ तक, के वन और के टू बड़ा छोटा से कैसे समझ में आ रहा है, एक में फोर सेम है एक में एक्सपेंशन सेम।